जब से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहे, स्टेरॉइड और इम्यूनिटी सफिशिएंट की गोलियां चल रही थी, वो खाई तो उससे हड्डी गल गई। पिताजी थे तो वो भी विकलांग थे, लेकिन काम थोड़ा बहुत हो जाता था, राशन वगैरह ले आते थे। अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए, जो हम और बेटे दोनों लोग आत्महत्या कर लें। विधायक जी को बोला तो वो ये बोलते हैं कि हमारे घर में खुद नहीं खाने, तुमको कहाँ से दें। मेडिकल कॉलेज है, अच्छा, वहीं पे मैं जॉब करता था पहले। अच्छा, 6 साल मैंने वहीं जॉब करी और पढ़ाई भी वहीं से करी थी। जीवन में की उम्मीद है आपका बेटा ठीक हो जाए बस, और कोई जीवन की इच्छा नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सीपी जी साहब को फोन लगाओ, ठीक है, तुरंत आ जाए जी साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं निकलता हूँ। सीपी तुम फटाफट गाड़ी निकालो, ठीक है, कहाँ चलना है? कोई बेचारा बहुत तकलीफ में है तो हम उसकी मदद के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, तुम गाड़ी निकालो फटाफट और चलते हैं, निकलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं। अंकित नाम है ना, है यही बीमार रहते हैं काफी दिनों से ना? ठीक है, आइए। नमस्कार, कैसे हो भाई? आइए, आपने याद किया तो हमने कहा कि पहुंचते हैं आपके पास। ठीक है, गर्म बहुत था तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, आप माताजी हैं, ये आपके बेटे हैं? अच्छा अच्छा, तो माताजी ये कब से बीमार हैं? बैठिए थोड़ा, आप भी बैठिए। तो कभी किसी से हेल्प मांगी नहीं? मांगी ना, हेल्प कोई करने को तैयार है नहीं है, बहुत कोई नहीं तैयार, बहुत प्रयास कर रहे हैं। बस माँ बेटे हैं, दो लड़की हैं, उनकी शादी हो गई। अच्छा, शादी के बाद इनकी प्रॉब्लम उनको देखने पड़ी। अरे नहीं नहीं, सब हो जाएगा, ऊपर वाला चिंता मत करो। हमें भी अच्छा नहीं लगे तो मैं तुरंत गाड़ी भगाई भाई, और हमने कहा जीशान चलते हैं, है ना भैया? यही भैया, अकेला यार, ठीक हो जाओ बस, हमने कोई नहीं। नहीं ठीक हो जाओगे, है ना? मैं तो अपने दोस्तों से ही कहेंगे भाई, जहाँ तक का हो सके आप इनकी पूरी मदद करिए और हेल्प करिए, भले एक एक रुपया है तो भी, दुनिया बहुत बड़ी है पापा जी। पापा बस इनके टेंशन में बीमार, नीक रहा, सब चीज खाएंगे, सुबह अचानक खत्म हो। अच्छा, इसी टेंशन में कि हम हो ऐसे, आप हो ऐसे, भैया हमारे ऐसे। अच्छा, पिताजी भी विकलांग थे। हाँ, तो इसी टेंशन पिताजी भी, पिताजी भैया टेंशन में खत्म हो गए, बहुत पैसा लग गया भैया को। तो भैया आपने किसी से कोई लेटर वेटर दिया? नहीं दिया, लेटर सांसद जी से बोला तो बोले कि हमारे घर पे आओ, तो हमारे घर में कोई है ही नहीं जाने वाला उनके यहाँ। अच्छा, अब उनका लखनऊ में तो बग्घा के पास में है। अच्छा, तो बोले कि वहाँ से हम लेटर देंगे। अच्छा अच्छा, लेटर लगाना, तो हमने मुख्यमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखा। अच्छा, कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी को 2 बार लिखा। अच्छा, वहाँ से कोई नहीं आया। अच्छा, हमने राष्ट्रपति को भी 1 बार पत्र लिखा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा अच्छा, और गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उनको भी लेटर लिखा। अच्छा, वहाँ से भी कोई नहीं आया। 18 महीने से हम सबके पास जा रहे हैं। विधायक जी को बोला तो वो ये बोलते हैं कि हमारे घर में खुद नहीं खाने, तुमको कहाँ से दें। अरे वो तो ये बोलते हैं। अच्छा, कि मदद के लिए राष्ट्रपति जी से तो इच्छा मृत्यु की परमिशन के लिए भी पत्र लिखा था कि हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हाँ, अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए, जो हम और बेटे दोनों लोग आत्महत्या कर लें अपनी। अच्छा, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। SDM सीतापुर SDM को बोला तो बोले हमारे पास कोई आदेश अभी नहीं आया, जब आएगा तब आप मरना। अच्छा, इस तरीके से? तरीके। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बड़ी दुख की बात है। ये मेरी दवाई चल रही थी जो, और ये डायग्नोसिस है उसकी। अच्छा 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 अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब है आपके पास? सारी रिपोर्टें हैं, सब। अच्छा अच्छा, जांच रिपोर्ट सब कुछ। अच्छा, चलिए, पहले सब कुछ सही था, कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अच्छा, जब से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहे। अच्छा,
और स्टेरॉइड चल ही रहा था हमारा पहले से। अच्छा, स्टेरॉइड और इम्यूनिटी सफिशिएंट की गोलियां चल रही थी। अच्छा, वो खाई तो उससे हड्डी गल गई। अच्छा, और इसी बिस्तर पे पड़े पड़े पीछे की दोनों बोन गल गई, तो डॉक्टर ने बोला हिप रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा, उसका कितना खर्चा आएगा? उसका 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बताया उन्होंने। तो ये कहाँ पे होगा? ये इंदौर में, एक हमने अपनी जमीन बेच के इंदौर गए थे। अच्छा, इलाज करवाया था एक साइड का। अच्छा, लेकिन वहाँ से आए और वो फिर से उखड़ गया। अच्छा, कूला वहीं से अपनी जगह से हट गया। अच्छा अच्छा, तो अब पहले तो वाकर लेके चल भी लेते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, अब वो भी नहीं, अब थोड़ा सा भी नहीं चल पाते हैं, बस इसी पे बैठे रहना है। अच्छा, इसी पे ही खाना पीना सारी चीजें इसी पे होती हैं। अच्छा, कोई भी चीज नहीं। तो आपका कोई माता जी नंबर वगैरह, कोई कॉन्टेक्ट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर आप मुझे दीजिए, जिससे हम लोगों को आपके लिए कह सकूँ कि भाई अगर हो सके तो आपकी, अंकित जी आपकी कितनी उम्र है? मेरी 32 साल। 32 साल, 32 साल। तो मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि हो सकता है कि आजकल YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे, ऐसा नहीं कि दुनिया, इंसान बहुत अच्छे अच्छे हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, इसी के ऊपर दुनिया टिकी है भाई। और आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प जरूर हो। हमारे परिवार का किसी भी सदस्य ने कोई भी मदद नहीं करी और ना को किसी से कोई मतलब है। अच्छा, और हमारे मकान मालिक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने, आपका मकान किराए का है ना? किराए का है सर, 2000 रुपये महीने किराया है इसका। अच्छा, और 3 साल से किराया भी नहीं दिया है उनको। इसके माने मकान मालिक बहुत राजा है, बहुत अच्छे आदमी है वो, और उन्होंने बहुत माता जी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं सर। अब इतनी गर्मी हो रही है, 3rd फ्लोर पे मकान है ये, अब हम नीचे चढ़ उतर भी नहीं सकते, कहीं जा आ भी नहीं सकते। पिताजी थे तो वो भी विकलांग थे, लेकिन अब घर का काम थोड़ा बहुत हो जाता था, राशन वगैरह ले आते थे। अच्छा अच्छा, अब माता जी हैं, अब इनसे कोई काम थकता नहीं है। माता जी भी डंडा लेके चलती हैं? डंडा लेके चलती हैं। आपको भी तकलीफ है माता जी? हाँ। है, आपका कोई नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, नंबर है। हाँ दीजिए, 9752537703। अच्छा, ये आपका, ये गूगल पे भी है, फोन पे भी है ये। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देंगे आप? हाँ, बैंक शायद मैं कोशिश करेंगे कुछ अकाउंट में पैसा डाला जाए। हाँ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है नंबर, याद नहीं है, हम दे देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, वीडियो के नीचे हमें दे दीजिएगा तो हम आपके वीडियो के नीचे लगा देंगे। तो ये हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो के नीचे हम ये नंबर लगा देंगे, अगर कोई भी आप इनकी हेल्प करना चाहो तो इनका नंबर वीडियो के नीचे हमारे चैनल के माध्यम से आ जाएगा, और उस पर आप चाहें तो इनकी, आप कश्यप जी की मदद कर सकते हैं। ये इनकी माँ हैं, ये भी बेचारी बुजुर्ग हैं, और ये भी पैर से थोड़ा तकलीफ हैं, और इनके पिताजी अपने बेटे की ही गम में जो है गुजर गए। इनकी माँ है जो अपने बेटे के लिए गुहार लगाई थी कि हमारे बेटे के लिए हेल्प की जाए, तो हमको रहा नहीं गया। हमने जीशान को बोला कि जीशान बेटा कुछ भी हो आप चलना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी काम रुक जाए हम चलेंगे। तो आपने जब वीडियो कॉलिंग किया था सुबह, तो हमको रहा नहीं गया, हमने कहा कि जी शाम तुरंत आप तैयारी करेंगे, लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल है ना जी जी। अरे आधी दुनिया तो यही चली गई, अब अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो जीना बेकार है फिर, क्यों भाई, है ना। सुख दुख तो जिंदगी में लगा रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद, बस इलाज भर का हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इलाज हो जाए मेरा, मैं मेरे पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर मैं सेम्स मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, वहीं पे मैं जॉब करता था पहले। अच्छा, 6 साल मैंने वहीं जॉब करी और पढ़ाई भी वहीं से करी थी। अच्छा अच्छा, पेशे से स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से नहीं। अच्छा, पेशे से आप स्टाफ नर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ। हाँ, तो उन्हीं के हॉस्पिटल में काम करते थे? हाँ, उनका हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेज है वो। अच्छा, यूनिवर्सिटी है, वहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ के वो डॉक्टर हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और वो तो बुलाते हैं कि आ जाओ बेटा, हम बहुत कम से कम में कर देंगे। यहाँ पे तो 3-3, 4-4 लाख रुपए एक साइड का बोलते हैं, और उन्होंने तो बहुत कम में बोला कि हम आ जाओ, तुम्हारा सारी चीज़ें हम बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे से कर देंगे, और बहुत अच्छे से बात करते हैं। चलिए, भगवान करेगा तो आपकी आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस यही है कि जिससे जो हो सके उतनी हेल्प कर दे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। माता जी आप कुछ कहेंगे? एक मिनट। अच्छा है कि हमारे बेटे की सब हेल्प कर दें।
अच्छा हाँ, बस ये ठीक हो जाए, अपने पैरन खड़े हो जाए, बस अति मनोकामना है हमारी बस। दोस्तों हाँ। एक माँ ने गुहार लगा रही अपने बेटे के लिए, और कुछ कहेंगी जीवन में, और कोई उम्मीद जीवन का? बस ये जीवन में की उम्मीद है आपका बेटा ठीक हो जाए बस, और कोई जीवन की इच्छा नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक माँ की इच्छा है कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। इस उम्र में उनको कोई पैसे की लालच नहीं है, बस उनके पास पैसा नहीं है, और ये चाहती हैं बस हमारा बेटा ठीक हो जाए, चलने फिरने हो जाए, कमाने लगे, बस माताजी की इतनी इच्छा है। तो उम्मीद करते हैं हम तो माता रानी से ही कहेंगे कि माताजी की इच्छाएँ पूरी कर दें। ठीक है माताजी? दोस्तों आज इनके पैर भी मुड़ नहीं पाते हैं, लेटते हैं तो यूँ ही लेट जाते हैं, और इनको लगभग 4-4.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, पैसे की 5-6 लाख की ज़रूरत है, और इनकी कोई चाहत नहीं है। इनके ना अगर बाई चांस हो जाए तो इनके अकाउंट में डाल के आप हॉस्पिटल में दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं ना, डॉक्टर जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, अगर आप चाहें तो इनके अकाउंट में भी डाल सकते हैं। आप अपना अकाउंट नंबर आप देंगे है ना, वीडियो के नीचे आपका अकाउंट नंबर आपके लगा देंगे, और आप चाहो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हेल्प हो सके, मैं तो यही कहूँगा जितनी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प हो सके प्लीज़ आप करिएगा, और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, हृदय से मेरा नमस्कार।